हरे कृष्णा, माफ करिए वही ये लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं 3 मिनट बोलते गया और बाद में पता चला लाइव हुआ ही नहीं। हरे कृष्णा, अभी नहीं हुआ, हो गया। हरे कृष्णा, थैंक यू, माफ करिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। और ये जो हमें मोबाइल मिला है ये खास करके हमारे वैष्णव श्रेष्ठ प्रभु हैं जिन्होंने हमको डोनेट किया, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और ये वायरिंग भी एक विशाल प्रभु है, उन्होंने डोनेट किया, बहुत सारे डिवोटीज के हेल्प से हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में आज प्रवेश करेंगे, उसका ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है जो आपको कमेंट में भी अभी मिलेगा, आपको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट से भी आपको मैसेज मिल गया होगा जो सेकेंड चैप्टर का ब्रेकअप है। और कुछ लोगों के सवाल थे कल के सेशन से तो उनको मैं जवाब दे के फिर अंदर प्रवेश करेंगे। तो किसी ने पूछा था कि प्रभु जी 41वें श्लोक में जो श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है वो क्या है और मुझे हमको समझाइए। तो शायद कल मैंने बहुत हरी भरी में जैसे सिलेबस खत्म कर देते हैं वैसे जो लास्ट वाले कुछ लोग धड़ 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 कर दिए थे, तो ये श्लोक हम लोग मैं आपके लिए गाता हूँ पुनः। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम नृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। इसका मतलब है कि जो कोई भी जो भगवान मुकुंद यानी जो आपको इस भवसागर से पार कर दे, मुकुंद द डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ नेशंस, हाँ, तो उनके चरणों में अगर कोई समर्पित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से उसका उद्धार हो जाएगा और उसे किसी भी ऋण का चुकता करने का जरूरत नहीं है। यानी जैसे हम लोग इस धरातल पर रहते हैं तो हम लोग माता पिता के कृपा से जी रहे हैं, राजा की कृपा से जी रहे हैं, समाज की कृपा है, तो इन सब का ऋण है। फिर जो हमारे पितर हैं उनका दिया हुआ सब कुछ है, हाँ, तो पितृ का ऋण है, इन सब का ऋण हमारे ऊपर होता है। देवताओं का ऋण होता है क्योंकि बारिश इत्यादि जो भी है देवताओं के कंट्रोल में होता है, तो उनका भी हम पे ऋण है, हाँ, तो इन सब का ऋण चुकाएंगे तब पार कर पाएंगे, नहीं तो ऋण चुकाने के लिए फिर हरि का यज्ञ करना होगा। तो कह रहे हैं लेकिन अगर आप भगवान हरि की भक्ति करते हैं, भगवान मुकुंद की भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, शरण्यम टोटल सरेंडर हो जाते हैं, तो आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। तो वो वर्ण संकर जो कल हम समझाए थे जो अनवांटेड प्रोजेनी है उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है कलयुग में भक्ति करना चालू कर दीजिए। किसी ने ये पूछा था कि प्रभु जी व्हाट डू यू मीन बाय अनवांटेड प्रोजेनी, कि जो संतति वर्ण संकर का बात हो रहा था वो कौन है। तो देखिए कैसा होता है कि जैसे साफ प्लेट हो तो आदमी को परोसने में भी अच्छा लगता है, लेकिन आपका प्लेट गंदा है, वहाँ मट्टी डला हुआ है, तो खाना परोसने लगे सोचिए कितना गंदा है, तो कहीं वो ज़्यादा ढंग से भी वो भी नहीं परोसेगा। तो वैसे जो माँ होती है उनका जो गर्भ होता है ये और उनका चरित्र अगर प्योर है तो उनके गर्भ में प्योर सोल्स आते हैं, और अगर वो अशुद्ध है तमोगुणी है तो तमोगुणी जीव आते हैं। तो इससे क्या है कि आप किसको अट्रैक्ट करते हैं वो वाला बात हो जाता है। तो अगर आप वर्ण संकर की तरह अचरित्रवान यानी विचित्र जीवन जी रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे कपड़े पहनने हैं, आप अनेक लोगों के साथ संग रख रहे हैं, मानसिक रूप से पवित्र नहीं है, तो क्या होगा, अशुद्ध जीव आपके अंदर प्रवेश करेंगे और वो और जो अपने कुल को आपने नाश किया उसके डबल वो करके चले जाएंगे वर्ण संकर। तो ये होता है, इसलिए अगर कोई बार डांसर है और अगर वो इसलिए कोई अगर शादी कर ले किसी बड़े पॉलिटिशियन से, तो उसको जो बच्चा होगा वो फिर वो ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि चरित्र नहीं है। इसलिए भारत भूमि में इसमें ना क्या मक्खी आ रही है ना कैमरे में आ रहे हैं, हाँ ठीक है चला गया, वो उधर ही बैठ रहा है क्या कैमरा में तो जो वर्ण संकर है वो ऐसे होते हैं कि फिर उनको वो ऐसे जीव ही आते हैं जो बर्बाद करके जाते हैं। तो अगर स्त्री का चरित्र ध्यानपूर्वक न रखा जाए या उनको पवित्र रूप में न रखा जाए, ट्रेनिंग न दिया जाए, तो घर का विनाश अपने आप हो जाएगा। तो ये उसका अनवांटेड प्रोजेनी का मतलब होता है, क्योंकि पुत्र जो होता है पुत्र यानी पू नामक नरक से जो अपने पितरों को तार दे वो पुत्र। तो जो खुद ही नरक जा रहा है वो क्या दूसरों को तारेगा, वो ऊपर से वो भी गाली देते कौन सा ऐसा पैदा हो गया हमारे घर में इसलिए स्त्रियों को बहुत पवित्र रहने का हमेशा उपदेश हुआ करता था कि चरित्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने मतलब इसलिए बचपन में चाइल्डहुड मैरिज इसलिए हुआ करता, हम लोग वर्णाश्रम में और स्टडी करेंगे, क्योंकि तब वो माइंड प्योर रहता है, इन द सेंस उसके मन में भी कुछ ज़्यादा खोट नहीं रहता। जो ही 16-18 साल हो जाता है तो माइंड जो है वो डिमांड करता है कि मुझे कोई फ्रेंड हो, मुझे कोई, तो अपने आप कनेक्शन बन जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी बन जाता है, फिर रिलेशन बिगड़ जाते हैं, फिर अपवित्रता हो जाती है, शादी किसी और से, मन में कोई और यू नो इच्छा किसी और की, ये सब होने लगता है, फिर दिक्कत होता है कि आदमी फिर घर में रह नहीं पाता। इसलिए आजकल जो डाइवोर्सेज वगैरह हो रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है
कि उनको समझ नहीं रहा है कि 99% इसी कारण से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पुरुषों का नहीं है, पुरुषों का भी है, वो तो हम देख ही रहे हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे तो भगवान डांट रहे हैं, ऐसा नहीं कि, पर यहाँ स्त्रियों को भी समझना होगा क्योंकि प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इसमें लिखते हैं जो कल मैं ज़्यादा डिटेल बता नहीं पाया। वो बोलते हैं कि स्त्रियों को जैसे बच्चे होते हैं उनको कोई भी चॉकलेट दे के भुतला सकता है आ जाओ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो स्त्रियाँ हैं वो भी कम बुद्धिमान होती हैं। कम बुद्धिमान मतलब ये नहीं कि उनको मार्क्स कम गिरते हैं या स्कूल में पढ़ाई में सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, नहीं, उनको कम बुद्धि होने का मतलब होता है कि उन्हें जो आध्यात्मिक और भौतिक इनके बीच में फर्क करने में समय लगता है, उनको कभी कभी भौतिक चीज़ भी आध्यात्मिक लगने लगता है। इसलिए कभी हमने देखा है कोई मंदिर में कोई नई माता जाते एकदम भावुक हो जाते तो वो हर चीज़ को वो लेती है, हाँ प्रभु वो भावुक होती है, हर चीज़ को सही समझती है। तो ये एक ठीक है, ये स्वभाव है, तो इनको बचा के रखना चाहिए। इसलिए कवच होता था स्त्रियों को बचाने के लिए, समाज होता था, पति होता था, पति मतलब शेल्टर जो आपको आश्रय दे, भाई होता था, पिता होते थे। कभी भी कोई स्त्री को कोई कुछ बोल दे तो आज भी सबको मालूम है, कोई किसी को माँ को आप बोल दीजिएगा तो पूरा गांव आ जाएगा मारने के लिए। ये कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं, वेस्टर्न कल्चर घटिया है, उधर उनको फ्रीडम दे दिया गया है दिखाने के लिए, लेकिन उनको पोल डांस करवा के अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। ये दिन है, नो यू अर्न, अरे व्हाई शुड शी अर्न, द हस्बैंड शुड अर्न एंड गिव द वाइफ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो वाइफ को खुद अर्न करना पड़ रहा है और फिर उसको टेंशन आ रहा है 40 के बाद, तो उसको जो उसका ब्यूटी चला जाता है, फिर उसके कैपेसिटी चला जाता है, तो पति छोड़ के चला जाएगा, फिर पैसा नहीं है, फिर टेंशन, फिर बाल उड़ जाएंगे तो और अगली लगेगा, फिर बेटा छोड़ के चला जाएगा, सब इंडिपेंडेंट है। हाँ, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने ऐसा नहीं किया है, उसी को डंडा मारा है सबको उसी डंडे से, वो लिबर्टी नाम का चीज होता नहीं है, तो दिस इज शियर नॉनसेंस। हरे कृष्णा। तो किसी ने पूछा है कि क्षत्रियो को चैलेंज किया तो द्यूत क्यों खेलना चाहिए ना? तो एक्चुअली क्या है, जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय हैं इसलिए उनको द्यूत खेलना पड़ता है, ब्राह्मण और सन्यासी नहीं खेलेंगे, वो मना कर सकते हैं। नहीं, क्षत्रिय जो है वो टैक्स लेता है, और क्षत्रिय जो है वो एक्चुअली द्यूत जो है वो उसमें द्यूत खेलना ही एक एक प्रकार से अपराध भी है, लेकिन अगर क्षत्रिय क्षत्रिय को चैलेंज करता है तो वो उसकी कैपेसिटी को चैलेंज कर रहा है, तो वो खेलना पड़ता है। और जहाँ तक सवाल आता है युधिष्ठिर का, तो क्योंकि धृतराष्ट्र सीनियर थे, बुजुर्ग थे और चाचा थे और राजा थे, इसी कारण युधिष्ठिर थोड़े सौम्य स्वभाव के थे, जबकि भीम बहुत भड़कता था, पूरे युद्ध तो सभा में भीम ही चिल्ला रहा था, भैया बस हो गया। और जब पूरा समाप्त हो गया तो भीम ने स्पेशली ट्रेनिंग लिया कि पांच बोले तो पांच कैसे डालना है, जो शकुनी को आता था तो भीम ने सीख लिया, गलती से वापिस खेलने बैठ गया तो इस बार मैं डालूंगा इसके भी आप में। तो ऐसा होता है। किसी माताजी ने पूछा कि गर्भदान संस्कार कैसे होता है, तो आपको जब 16 संस्कार पढ़ाए जाएंगे यज्ञ वाले लेक्चर में, कल से चालू हो रहा है, कल से यज्ञ है ना, सुबह से, कल का शेड्यूल सैटरडे संडे का शेड्यूल थोड़ा अलग है बाकी टीचर्स के लिए, सैटरडे संडे का सिर्फ यज्ञ और गीता है और बाकी 2 आवर्स ऑफ है नीचे के, 3 आवर्स संस्कृत और उपनिषद, सिर्फ सैटरडे संडे वो इसलिए ऑफ रखे क्योंकि अगर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा। हरे कृष्णा। फिर धृतराष्ट्र का ओके, तो किसी ने ये पूछा कि प्रभु जी मटेरियल कंपैशन क्या है बताइए, तो मटेरियल कंपैशन ये है, मैंने क्वेश्चन भी कितने छोटे वाले चीटों में लिख के लाए, वो समय नहीं था, मैं कमेंट पढ़ के फटाफट कुछ मिला उसे लिख लिया। तो मटेरियल कंपैशन मैंने समझाया था आपको कि जब हम इस भौतिक दुनिया में देखते हैं तो हमको लगता है कि देखिए ये जीव फंसा हुआ है, ये जीव गरीब है, ये काला जन्म ले लिया, इसको अधपंगु है, हाथ टेढ़ा है, हमको ये सब दया आता है। एक्चुअली दया है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई अंधा पैदा हुआ है तो इसका मतलब पिछले जन्म उसने कुछ किया है तब वो हुआ है, आपके ऊपर वो रिएक्शन आ ही नहीं सकता जब तक आप उसके दोषी ना हो। तो इसलिए भौतिकवादी उसमें मिल जाते हैं, पर आध्यात्मिक दर्शनिक जानते हैं कि ये गलत है, कि उसी का दोष है, लेकिन हमें फिर भी मदद करना चाहिए ये सोच के कि उसका उद्धार उससे आगे कैसे होगा। तो हमको साथ में मिलके नहीं रोना चाहिए, फिर वो पता चला वो एक अनाड़ी और हम एक अनाड़ी, दो अनाड़ी एक साथ रो रहे हैं, ठीक है। और एक किसी ने पूछा कि प्रभु जी आपने अर्थशास्त्र नीति शास्त्र का जो सीक्वेंस बताया प्लीज समझाइए, तो यह मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया समय बचाने के लिए। तो ये देखिए जो अर्थशास्त्र है वो सबसे नीचे है, दिख रहा है बोर्ड में, ऑनलाइन दिख रहा है, अर्थशास्त्र जो है वो सबसे नीचे माना गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र रेफरेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थप्रवृणता यानी पैसा कितना बढ़ेगा, जब हम ऑलरेडी नीति शास्त्र अर्थशास्त्र अलग से पढ़ेंगे लेवल 3 में,
तब आपको डिटेल में बहुत कुछ बताऊंगा। जीवन में कभी भी समस्या आए तो इस लैडर को समझते हुए अपने नियम अपने निर्णय लीजिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब आप बहुत सारा पैसा डेवलप करने की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के नियम को पालन करिएगा कि कितना पैसा देना है, डीलिंग करते वक्त सामने वाले से लिखवा के लेना है, उसके पास कुछ है क्या देने के लिए बदले में लॉस हुआ तो, ये देख के डीलिंग करना, ये सब जो रूल्स हैं इसको अर्थशास्त्र के नियम कहते हैं। जिसको हम लोग भी इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज आते हैं हमारे मार्च में, वो उसी के लिए होते हैं कि आप इससे हम कैसे सब लोग सुखी रह पाए। तो अर्थ को बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। जैसे आप कोई चॉकलेट बेच रहा है तो 10 रुपए का चॉकलेट कंपनी उसको देती है, वो 50 में बेचता है, दिस इज दी बेस्ट कैडबरी, तो 10 में लेता है, 50 में बेचता है, 40 रखता है। वो थोड़ी ईमानदार से बोलेगा नहीं सर हमको 9 में मिलता है तब हम 10 में बेचते हैं, तो नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने से ये बढ़ता है। तो झूठ बोलने का कैटेगरी जो वैश्य और शूद्र करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण और सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते। वैश्य झूठ बोल सकता है, उसका पाप तो उसको लगता है, लेकिन वो निम्न है तो उधर तक चल जाता है, वैश्य झूठ बोलता है। जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा है तो वो झूठ बोल देता है तो देखिएगा, ये वैसे जो है इसको बिजनेस से मतलब होता है, इसको मुझे पैसे से मतलब है। एक बार एक जोक है ऐसी, एक बार एक चाइनीज और एक मारवाड़ी ट्रेन में जा रहे थे, हमारे भारत में बोलते ना जाना जाए बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, हाँ वो पैसा बराबर बनाते हैं। तो चाइनीज और मारवाड़ी एक ट्रेन में जा रहे थे, ऐसी विनोद है। तो चाइनीज जो है वो बैठा तो अपने रेलवे स्टेशन आए एक, तो मक्खी अंदर आए, तो ये चाइनीज जो है छट्टे करके मार गया, खा गया। मारवाड़ी बोला छी कैसा आदमी है खा गया। थोड़ी देर में और एक मक्खी आया तो फिर मारवाड़ी भी मार दिया खट, और उसको बोला चाइनीज को कितने मिलेगा। तो ये अर्थशास्त्र होता है। तो ये निम्न स्तरों के नियम जो है ये निम्न स्तरों वालों को होते हैं, ऊपर वाले इसका ध्यान रखते हैं, इसको तोड़ते नहीं। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि ये दोनों समुदाय उसमें शामिल है, वैश्य यानी बिजनेस क्लास, शूद्र यानी वर्किंग क्लास, क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, ब्राह्मण यानी इंटेलेक्चुअल गाइडिंग क्लास, और सन्यासी यानी रिनाउंस क्लास जो छोड़ रहे हैं। तो ये सब अर्थशास्त्र को ज्यादा मानते हैं, और ये ब्राह्मण कभी ज्यादा अर्थशास्त्र में नहीं गिरता है। उसका सारा काम है जो आज का मिला समाधान हो जाओ, बाकी बांट दो, कल भगवान देंगे उसको भरोसा है। इसको थोड़ा कम विश्वास होता है, ये विश्वास का भी स्टेज है। अब स्टेजेस तो मैं बहुत सारे बना सकता हूं, पर अभी इतना ही समझिए। तो इस अर्थ के ऊपर होता है नीति शास्त्र। अगर कोई नीति की बात की गई है यानी मॉरालिटी और एथिक्स की बात की गई है, कुछ ऐसे नियमों की बात की गई है जो आपको स्टेबल और सुखी रखने में काम आता है, उसको कहते हैं नीति शास्त्र। ठीक है, और नियमों को अच्छे से बना के रखने के लिए क्षत्रिय हुआ करते हैं। तो वैसे भी इसमें आते हैं, क्योंकि अगर आप एथिकल नहीं रहिएगा तो आपका अर्थ नहीं टिकता। ये अर्थ तब टिकेगा जब आप नीतिवान है। अगर ये एक्चुअली मैं सब समझाने वाला, लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कल मेरे को इसको स्किप करना था। लेकिन होता है ना, कमेंट में लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पास टाइम भी कम है। नीति शास्त्र जो है, तो क्षत्रिय और वैश्य मिलकर नीति शास्त्र चलाते हैं। तो नियम अगर आप रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज में देखा होगा रामू काका या कोई होता है ऐसा ही नौकर, तो नौकर को दे देते हैं राजा लोग भी या उनके मालिक लोग भी क्या करते हैं, उन्हें बाद में खुश होके कि आपने इतने साल हमारा सेवा किया है, तो उसको बहुत बड़ा चीज दे देते हैं। अगर वो नौकर खुद से दो एकड़ जमीन कभी नहीं खरीद सकता, लेकिन हमारे मुझे खुद मालूम है, हमारे खानदान में जो हमारे 7 पुश्त पहले किसी लिख के गए थे कि एक नौकर का फैमिली है, उसको अभी इतना एकड़ जमीन मिला है हमारी तरफ से, वो मतलब वो खुश हो गया क्योंकि उनके पुश्तों ने काम किया। तो अगर आप अच्छे से नीति पालन करते हैं, अच्छे से अपने कामों को करते हैं, तो अर्थ आपका अपने आप बनेगा। और अगर आप नीति तोड़ देते हैं, जो अभी लंदन भाग के गए ना हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बैंड बजा के, हाँ तो वो देखिए भाग गए, अब उनका पैसा भी नहीं बचा, सब गवर्नमेंट ऑफिस ले लिया, उनका नीलामी हो गया और कंगाल हो गया। तो क्षणिक जो शूद्र होते हैं, अगर वो इस नीति को तोड़ने लगते हैं अर्थ पाने के लिए, तो फंस जाते हैं। तो इसलिए नीति का चोला पहन के अर्थ कमाना और नीति नहीं रखना गलत है, वो टूट जाएगा। ब्राह्मण जो है वो धर्मशास्त्र का पालन करते हैं, यानी रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो धर्मशास्त्र होते हैं कि क्या धर्म आ गया इसमें, आत्मा का ज्ञान आ गया, यहाँ थोड़ा आत्मा इधर भी है लेकिन इधर थोड़ा आत्मा का ज्ञान ज्यादा रखते हैं, इधर थोड़ा स्पिरिचुअल यानी स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको फॉलो करते हैं। तो जनरली इसको ब्राह्मण वर्ग अपहोल्ड करते हैं। और अगर आप धर्मशास्त्र का पालन करते हैं तो अपने आप नीति और अर्थ बन जाता है।
लेकिन अगर आपने धर्म के बजाय नीति पालन कर दिया तो आप गिर गए, आप नीचे गिर गए। अब मैं इसको डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा। सन्यासी जो है वो आत्मशास्त्र, या इधर ऋषि मुनियों की बात होती थी तो वो आत्मशास्त्र यानी इस संसार को छोड़ के परलोक की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, वो उनके नियम बहुत अलग होते हैं। ठीक है, तो ये शास्त्र अलग है। अभी गीता आत्मशास्त्र है। गीता में कहीं भी नहीं लिखा है पैसा कमाओ बड़े बनो, कभी नहीं बोला है। गीता में क्या बोला है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशु सत्यम दे प्रति जाने प्रियो सिमे, ये कहा गया है। अरे क्या पक्का है, रंदे 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 आत्मशास्त्र है। ठीक है, और अब धर्मशास्त्र क्या है, धर्म धर्म के नियम है कि पति को कैसा रहना चाहिए, पत्नी को कैसा रहना चाहिए, बच्चे को कैसे रहना चाहिए, शिष्य को कैसे रहना चाहिए, गुरु को कैसे रहना चाहिए, ये नियम है। क्योंकि आप जब इस समाज में एक रोल ले लेते हो तो उस रोल को डिफाइन करने के लिए क्या है, धर्मशास्त्र। और उस रोल के हिसाब से क्या क्या आपको सजग होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, और उसमें पैसे, अगर पैसा चाहिए ना किसको नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि वैष्णव है तो गरीब होना चाहिए ना, अभी बड़े बड़े वैष्णव है आप अर्थशास्त्र, पैसा नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं, पर इसको रखना है तो इसको और इसको और इसके साथ में लेके रखना है। ये नहीं कि पैसा लेने के चक्कर में आपने नीति खो दिया। अगर कोई ब्राइब करता है, नीति तोड़ देता है तो सरकार उसको पकड़ के अंदर कर देती। अगर नहीं भी कर पाई तो उसका बेटा खुद बोलता है कि मेरा बाप तो दो नंबर का कमाता तो मैं भी दो नंबर का काम करूंगा। एक मेरे को मिले थे एक सरकारी ऑफिसर थे, तो बोले मैंने आजकल करप्शन बंद कर दिया। बोले क्यों सर, तो बोलते नहीं मेरा बेटा जो है मुझे मतलब माँ बहन की गाली दिया था मुँह पे। बोले क्यों ऐसा दिया, बोले क्योंकि वो जानता है ना मैं करप्शन करता हूँ। तो बोले अब मैं समझ गया कि मैंने पैसा तो कमा लिया पर बेटा कमा लिया। तो आपको अगर ये बहुत करिएगा ये तोड़ के तो फिर न ये मिलेगा न ये मिलेगा, न माया मिली न राम, तो ऐसा। तो ये नियम होता है। तो और ये स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक लाइफ है, ये यहाँ रिचुअल है, यहाँ स्पिरिचुअल है, यहाँ स्पिरिट का मेन फोकस आ गया। तो ऐसे होता है। अब अर्जुन, अब हमारी गीता में उसका क्या लेना देना, 1.36 में जब हम पढ़ा रहे थे तो अर्जुन कह रहा है कि जो तुम अभी बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं उसको, भगवान बोले ना अरे क्या है ये सब, तुम क्यों इसके लिए लड़ रहे हो, ये सब तो राज्य वाज्य है। तो बोल रहे हैं हाँ बराबर है, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। कौन, अर्जुन बोल रहे हैं। भगवान बोलते नहीं वो तो अर्थ है, ये तो वो अर्थ है जो तुम बोल रहे हो, वो नीति भी नहीं अर्थ है। तो बोलते नहीं 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 मैं इसलिए धर्मशास्त्र का पालन कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इनको मार दूँ और क्रॉस क्रिएट करूँ यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँ तो वो धर्मशास्त्र में कहा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए राजा को, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो कितना शाणा है अर्जुन, अर्थशास्त्र का चोला मतलब बचाने के लिए धर्मशास्त्र का चोला पहन के आ रहा है। तो भगवान उसको अभी धोने वाले हैं क्योंकि भगवान क्या करते हैं, एक्सपोज करने वाले हैं। तो ठीक है, इसको समझाया मैंने, हरे कृष्ण, इसको इससे ज्यादा नहीं समझाना चाहता मैं। टाइम कम है, टाइम कम है, कल आपको ही देना पड़ेगा समय। हरे कृष्ण। तो आइए हम लोग अध्याय के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। और दूसरे अध्याय का ब्रेकअप ये है, मैं हम लोग प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली आवाज इसका नहीं आ रहा है, वो जो मोटर चल रहा है ना उसको इसमें वाइब्रेट हो रहा है वो यहाँ आ रहा है, और ये नहीं रहेगा तो मेरा ही आवाज बंद हो जाएगा। अरे दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा पहले अध्याय का मैंने ब्रेकअप बताया था आपको, अब ये दूसरे अध्याय का ब्रेकअप है। आगे जाके आपको बीच में 18 अध्याय एक साथ लिख के सब अध्याय को उधर लेके फिर उनके ब्रेकअप्स लिखने बड़े शीट पे, ये आप अपने लिए होमवर्क कर लीजिएगा, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो दूसरे अध्याय में 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, 5, पहले वाले में कितने थे, 4, दूसरे वाले में 5 हैं। ये इस प्रकार है, पहले अध्याय दूसरे अध्याय का 1 श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन ने जो पहले अध्याय में शंकाएं कही हैं वही शंकाएं आगे और बढ़ने वाली हैं और उनका निवारण वो पूछने वाले हैं, शंका और उनके निवारण को पूछ के वो समर्पण करने वाले हैं। ये पहले 1 से 10 श्लोक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 11 से 30 जो श्लोक हैं उसमें अब आएगा भगवान, यहां से जवाब देने चालू कर देते हैं 11वें से। तो भगवान है ना,
पहले इधर भी तो थोड़ा डांटते हैं भगवान, लेकिन तभी इधर आधे तक भगवान और अर्जुन जो है वो दोस्त के रूप में होते हैं, लेकिन जो ही समर्पण कर देते तो अब वो क्या हो गए, गुरु और शिष्य। हाँ, जैसे एक कोई तो मुझे पूछा, गुरुजी फोन पे तो मुझे डांट रहे थे लेकिन लेक्चर में तो आप ऐसे नहीं बोलते, तो बोला तभी तू मेरा दोस्त था और अभी तू मेरा स्टूडेंट है। दोनों में फर्क है, रोल प्ले चेंज हो जाता है। तो ये 1 से 10 है, 11 से 30 जो है ज्ञान की बात हो रही है। आत्मा अनात्मा विवेक योगा, क्यों पंडित जी सही है ना, यही है ना। यही है तो क्या परमानेंट है क्या नॉन परमानेंट है इसका ज्ञान। ज्ञान युद्ध करो, और भगवान लास्ट में कहते हैं भैया युद्ध करो, बता दिया अभी युद्ध करो। और वो है आत्मा को मृत्यु नहीं है, वो उसका सार है, आत्मा मरती नहीं है, तो तुम किसको नहीं मारने की बात करते हो और मारने की बात करते हो। तो 11 से 30 इधर आत्मा का तत्व बताया जाएगा, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। ये सेशन कल करने का प्रयास करेंगे, आज हम लोग ये सेशन करने का प्रयास करेंगे। गीता जो दूसरा अध्याय है इसका टाइटल है गीता का सार। क्या टाइटल है? तो सारे कंसेप्ट एक्चुअली इस दूसरे अध्याय में ऑलरेडी है, कर्मकांड है, ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति योग है, समर्पण है, शुद्ध भक्ति है, सब है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अर्जुन को नहीं समझा, तो फिर इसलिए भगवान को आगे के अध्यायों को बताना पड़ा। अब तीसरा भाग क्या है, कर्मकांड। अच्छा आपको एक बता दूं, ये जो श्लोक है ना इसमें कर्मकांड भी है सकाम भी है, लेकिन हम इसको कर्मकांड प्रधान मानते हुए चलते हैं। कर्मकांड युद्ध करो, अपने विहित कर्तव्यों को करके भौतिक सुख प्राप्त करो। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हें वो डर था, याद है आपको मैंने 5 कारण बताए थे अर्जुन को, अर्जुन युद्ध नहीं करने के। कौन से 5 कारण थे, जल्दी जल्दी बोले चले। पहला दया, दूसरा भोग, तीसरा पाप, सामाजिक कारण अनिर्णितता। तो अनिर्णितता तो इधर आ जाएगा, इधर दर्शा जाएगा। तो ज्ञान देने से क्या हो जाएगा, दया का जो पार्ट है किस पे दया करना है जो पता चल जाएगा। और अगर तुमको नहीं भोग करना है तो भगवान बोलते ले फिर मैं बता रहा हूं कैसे भोग करना है, युद्ध करके भी भोग कैसे करना है मैं बता रहा हूं तुम्हें। फिर ये आ गया 39 से 53 बुद्धि योग। अब ये बुद्धि योग ज्ञान योग नहीं है, ये बुद्धि योग हमारे ब्रेन वाला बुद्धि योग भी नहीं है, ये बुद्धि योग एक प्रकार से भक्ति योग ही है। लेकिन भगवान बुद्धि योग शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तीसरे अध्याय का पहले सवाल में ही भगवान अर्जुन पूछते रहे, लेकिन आप ही ने तो बोला ना बुद्धि से समझो तो हो गया। खोलिए तीसरा अध्याय का पहला श्लोक, खोलिए फटाफट खोलिए, चलिए क्या लिखा है आप ही पढ़िए, आप ही बताइए, ऑनलाइन आप भी खोलिए आप भी पढ़िए। जनार्दन सब लोग एक साथ गाओ, मैं खोला है सबने, 1 2 3 पढ़ो। जय श्री जय कर्मस्ते मदा बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि मन्योरे मामि उज्जति केशव। क्या पूछ रहे हैं, अर्थ पढ़िए। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अरे भैया जब आप बुद्धि को सकाम से बड़ा समझते ही हैं तो मैंने समझ लिया बुद्धि में, अब मुझे छोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन होगा तीसरे अध्याय में, उधर हम बाद में जाएंगे, अभी ये दूसरे समझ गया। तो कह रहे बुद्धि योग युद्ध करो परंतु बिना किसी कर्म के फल के, मतलब फल की आशा में मत फंसो, ना फल पाने की इच्छा से करो, ये इसी इसके ऊपर ये आ गया। फिर उसके आगे अर्जुन सवाल पूछते हैं कि तुम जो इतने बड़े बड़े भक्तों की बात करते हो कैसे हैं, प्रजाहाति यदा कामान, वो कैसे हैं वो लोग। तो वो 54 से लेके 52 श्लोक में आता है, स्थित प्रज्ञ युद्ध करो, स्थित प्रज्ञ होके फिर युद्ध करो, ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, जाओ स्थित प्रज्ञ होके युद्ध करो। स्थित प्रज्ञ का मतलब जानते हो क्या होता है, जब परशुराम को उनके पिताजी ने बोला कि जाओ अपने माँ को मार दो, मार दिए, गुरु थे ना, अबे गुरु खुश हुए बोले क्या चाहिए, तो मेरे माँ को जीवित कर दिया, वो भी कर दिया। स्थित प्रज्ञ का लेवल हमें नहीं है, लेकिन हम समझ सकते स्थित प्रज्ञ क्या होता है, शरणागति क्या होती है, ये आपको तब समझेगा, शरणागति शरणागति होने के बाद ही समझ में आएगा। तो वो कहते हैं कृष्ण भावना में स्थित होके काम करो, ठीक है। तो कई बार लोग कृष्ण भावना के नाम पे कोवर्ड हो जाते, डरपोक, गलत गलत संदेश। महात्मा गांधी ने भारत को डुबाया और कई बार हमारे
डिवोटीज ऐसा बोल के कि नम्र होना चाहिए भक्तों को, कौन बोला ये? नम्र अलग होता है, नम्र का मतलब है आप में जितने गुण हैं वो भगवान के दिए हुए हैं और भगवान की सेवा में लगो, किसको कहते हैं नम्रता? नम्रता का मतलब ये नहीं कि दुर्बलता को नम्रता बोलो, तो ये बहुत सारे अंधविश्वास है उसका भी खंडन भगवान करेंगे। तो आइए हम अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरा अध्याय खोलिए, पहला श्लोक खोलिए। और जिसको ये नोट डाउन करना है प्लीज कर लीजिए। कल का चैप्टर, कल का 1.36 में ये किसी ने पूछा था, जो मैंने बता दिया। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अपन ते कोणा साठी लावले मोटर काय क्लास में ऑलरेडी पहले डिसाइड हुआ ना, क्लास के लिए नहीं बजाना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान भगवान को यहाँ किस नाम से पुकारा गया है? मधुसूदन। अभी अर्जुन आगे भी बोलने वाले, लेकिन संजय नरेट कर रहे हैं कि अर्जुन ने नहीं कहा है, मधुसूदन संजय ने कहा है। तो मधुसूदन इसलिए कहा है क्योंकि मधु यानी यहाँ पे और एक कारण है, जो मधु यानी मधु शत्रु को मारा था और मधु मिसअंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंट करता है यानी अज्ञान, अज्ञान को भगवान ने हटा इसलिए यहाँ मधुसूदन कहा गया है। लेकिन मधु का मधु मतलब क्या? मिठास। सूदन का मतलब है जो दमन करने वाले, क्या दमन करने वाले हैं? तो अर्जुन के दुख को दमन करने वाले, इसलिए मधुसूदन भी कहा गया है। अभी देखो अब क्या, अब आवाज कम आएगा, टीटी आईसीयू जैसा आवाज आ रही इधर तो ये बंद नहीं होता है, होता है ठीक वो आईसीयू में नहीं रहते क्या? वो जरा चलते रहते नी, नी। मुझे लगता है वो सुन के ही पेशेंट आधा मर जाता होगा तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दया जो है वो डूबते हुए व्यक्ति का जो कोट है, कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसका अगर कोट बचाने जाते हैं तो उसको दया नहीं कहते हैं। कई बार लोग मानव सेवा को ही माधव सेवा कह देते हैं, लोग कहते हैं अरे माधव नहीं, यही मानव की सेवा ही माधव सेवा, मूर्ख। क्योंकि आप ये ब्लैक होल की तरह है, आप डालते रहे कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी आप ही महात्मा गांधी हो गए गरीबी मिटा, नहीं मदर टेरेसा हो गए गरीबी मिटा, इससे पहले अनेक राजा महाराजा थे गरीबी मिटा। गरीब आदमी अपने कर्मों से होता है, कैसे होता है? कर्मों से। उसको जो भी गुण मिलते हैं या जो भी शारीरिक ढांचा मिलता है वो कहां से आता है? कर्मों से। अपने कर्मों से आता है। तो आदमी उसका कर्म थोड़ी साफ कर सकता है, जिसका जिसका कर्म उसी को साफ करना होगा। तो हम क्या सोचते हैं, नहीं हम जो जनरली जिनको कर्मों ने बुरा हाल कर रखा है वो दूसरों पे नारियल फोड़ के बैठ जाते हैं, उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, लेकिन होता किसके वजह से है? हमें एक लेवल तक की शारीरिक शक्ति बौद्धिक शक्ति ये कहां से मिला? और वो उसका निर्णय कैसे हुआ? कर्म से। तो यहां पे तो जो स्मार्ट आदमी है वो बाह्य कपड़ा नहीं बचाता, वो आत्मा को बचाएगा। हाँ, जैसे अगर कोई इस प्रोडिगल सन का स्टोरी आता है, एक बार एक बच्चा था, वो बड़े बाप का बच्चा था लेकिन खो गया था, तो उसको क्या किया? अगर वो आपको मिलता है टाटा या अंबानी का कोई बच्चा आपको मिल जाता है, पता चले अंबानी का बेटा है, अब ऐसे भटक रहा है बिना कपड़े का बिना खाने का, तो क्या करिएगा? आप उसको खाना कपड़ा दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं? उसको उठा के ले जाओ एंटी ले, वो बैठेगा उधर, उसका तो राजा हो गया। तो वैसे जीव जो है वो इस संसार में भटक रहा है, कभी काला कभी गोरा कभी कुत्ता कभी बिल्ली, उसको अच्छा क्या कर सकते हैं? हम उठा के वैकुंठ भेज दो, वो कहाँ का अधिकारी है? वैकुंठ का। खोलो सातवें अध्याय का पांचवा श्लोक, खोलो जल्दी फटाफट, चलो सातवें अध्याय का पांचवा श्लोक खोलिए ऑनलाइन डिवोटीज प्लीज। कह रहे गीता क्यों नहीं पसंद?
अपरेयामितस्त्वन्यं प्रकृति विधिमेवराम जीवभूतमहाबाहुयैरं धारयति जगत्। इसका अर्थ ये है अपरेयाम इतस्तु अन्यम, अरे इधर ये जो माया शक्ति है ये तो कुछ नहीं, मेरी शक्ति छोड़े, यहाँ एक ऐसी शक्ति है जो इसमें फंसा हुआ है, इस अपराशक्ति में फंसा हुआ है। वो कौन है? वो हम मतलब आत्मा, आत्मा फंसा हुआ है, बात समझिए। वो आत्मा कौन है? उस गुम हुए बच्चे की तरह है जो यहाँ पे भटक रहा है। तो सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं हम लोग? उस आत्मा का संबंध भगवान से जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद क्या हो गया? आठवें अध्याय के पांचवा श्लोक खोलिए, आठवें अध्याय का पांचवा श्लोक खोलिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यादीनास्यत्र संशयः। जो व्यक्ति अंत में भगवान को स्मरण कर ले, कहां चला जाएगा? भगवान। उस व्यक्ति, उस आत्मा का जीवन ऐसे बना देना है कि वो साधना करते करते, अपने कर्तव्यों को करते करते, साधना करते 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 अपनी चेतना को भगवान में लगाना है, शरीर यहां लगाना है और आत्मा ऊपर, अंत में कहां जाएगा? साइंस में, मैथ्स में होता था ना ऐसा वेक्टर, याद है आपको? ऐसा ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा सो होता था सी, समझ रहे हो? तो अगर ये आपका भौतिक वेक्टर है और ये स्पिरिचुअल वेक्टर है तो ये आपका फिर पता चला वापिस कहीं ना कहीं स्वर्ग वाला जन्म हो जाएगा। तो आपका वेक्टर कैसा होना चाहिए? भौतिक दिखाने के लिए करो और आध्यात्मिक पूरा करो, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा? आध्यात्मिक। आप समझ रहे हैं? तो कई लोग बोलते प्रभु हाउ टू बैलेंस, है ना? वो जैसे लड़कियां हाई हील पहन लेती ना तो उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। तो वैसे ज्यादा घमंड रखिएगा और ज्यादा अध्यात्म बुद्धि रखिएगा तो बैलेंस करने में मुश्किल, आध्यात्मिक जीवन पाने में दिक्कत होगा। इसलिए बैलेंस क्या करना है? तो धीरे धीरे अर्थशास्त्र से जीवन को कहां लेके जाना है? आत्मशास्त्र। तो धीरे धीरे हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स का छोड़ के मैनेजमेंट का, देश के मैनेजमेंट का छोड़ के, ब्राह्मणों से ज्ञान लेते हुए अपने कर्तव्य करते करते साधु लोगों से ज्ञान लेंगे तब ऊपर जाएंगे। नहीं तो भाइयों बहनों सिर्फ नोट बंद कर सकते हैं। कहीं बोला है भाइयों बहनों चैंटिंग करो? मेरे प्यारे देशवासियों चैंटिंग करो? नहीं बोला। वो बोलने के लिए सन्यासी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ आप कर सकते हैं, आप ही है वो, यू आर, यस वी कैन, द चेंज विल कम। मोटिवेशन मार दे यहाँ पे, बंदा एकदम यार चार्ज होके जाता है, बाहर देखते हैं पैसा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, छोड़ दो वापिस। तो ये हाल है। तो हमें किसका सुनना चाहिए? साधुओं का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का, विद्वानों का। तो हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। आज दुर्भाग्य है कि इनका कोई सुनता नहीं, तो ये लोग भी मोटिवेशन ही सुन रहे हैं। अब कुछ लोग इधर का कपड़ा पहन के इधर का सुना रहे हैं। 20-20 लाख रुपए एक सेशन का लेके उल्लू बना रहे, कपड़ा ये पहन रहे हैं लाल और सुना क्या रहे हैं? नीचे वाला। कैसे होगा ये? ना हुई बाबू। चलो दूसरा, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक खोलिए। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यं दुष्टं स्वर्गं अकीर्तिं करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश का आया कैसे? किधर से कचरा आया तुम्हारे इसमें? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अर्जुन तुम जो ऐसा बात कर रहे हो, ये कचरा कहाँ आया? तुम तो अभी बोले कि तुम पहले अध्याय बोला ना अर्जुन ने कि मैंने अनुशुश्रुमा, मैंने कहाँ से सुना है? गुरु परंपरा से सुना है। आज गुरु परंपरा से सुन के नीचे वाले बातें क्यों कर रहा है? कहाँ से ये कचरा आया? आगे बोलने वाले क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, कचरा हृदय दुर्बल हो चुका है, यहां से आया। कहां से आई? अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम। अनार्य है तू, आर्य क्या है? सिविलाइज्ड मैन। अनार्य क्या है? अनसिविलाइज्ड मैन। सिविलाइज्ड मैन मतलब वर्णाश्रम का पालन करते करते, धर्म अर्थ काम मोक्ष करते करते निकल जाना, मुक्त हो जाना। पंचम पुरुषार्थ क्या है? भक्ति। निकल जाना।
और वो होता है वर्णाश्रम। आर्य आर्य जो होता है वो क्या पालन करता है? वर्णाश्रम। कुछ लोगों ने आर्य नाम का समाज खोल दिया और वर्णाश्रम को तोड़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्य यानी जो वर्णाश्रम का पालन करते करते ऊपर जाते हैं, वर्णाश्रम का पालन करते वाले। तो अनार्य की तरह बात कर रहे हो, क्षत्रिय तुम्हारा कर्तव्य है, मर जाओ। पर ये कचरा कहां से लेके आए हो तुम? क्या पकाया है तुमने मुझे पूरा एक फर्स्ट लेक्चर पूरा पहला अध्याय तेरा 46 श्लोक चुपचाप खड़ा होके सुना मैं? चुपचाप खड़ा था मैं। अभी तक वो दोस्त है, याद रखना। अभी तक भगवान क्यों डांट रहे? अभी देखो दो श्लोक डांटा है भगवान ने, इसमें भी डांटा, आगे भी डांटा है। भगवान ने तो ज्ञान नहीं दिया उसको, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती तो बेचारे डिप्रेशन में रहता है, उसको दोस्त पढ़ता है, चढ़ ना रे यार क्या टेंशन ऐसा। तो भगवान बोल रहे क्या पागल की तरह तू बोल रहा है ये सब? अभी तक भगवान ने गुरु का रोल नहीं लिया, ठीक है? तो कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये पूछ दूं ये वाला, ये भी पूछ ही सकते हैं। नहीं, ये पूछने में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत मेहनत से लिखा है ये, बहुत मेहनत से इसको भी पूछ देंगे, तुझे और भी दुख देने का मन कर रहा है लेकिन अभी कर्म की फल की आशा नहीं करते, मुझे करना पड़ेगा। तो भगवान ये जो शब्द है वो भग भगवान यानी भग जिसके पास है वो, तो भग का जो डेफिनेशन है वो पराशर मुनि पराशर स्मृति में देते हैं, वो इसमें भी विष्णु पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण 6574। मैं इसको खोल के कल देखा भी था, विष्णु पुराण में है ये श्लोक, विष्णु पुराण 6574। तो ये श्लोक आता है, ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्यश्चापि षण्णम भाग इति गणा। तो ये छह चीजें हैं, ऑल रिचेज, रिचेज यानी आपका धन रिचेज, फिर स्ट्रेंथ फेम शक्ति बल, फेम आपका नाम, फिर ब्यूटी नॉलेज रिनंसिएशन, ये छह के छह गुण अगर किसी में पाए जाए एक साथ और पूरे एक्सटेंट में, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? भगवान। तो एक साथ सभी, प्रभुपाद जी भी समझाते हैं ये ब्रह्म और शिव जी में भी नहीं पाए जाते, ये केवल भगवान उधर तो लिखते कि नारायण में भी नहीं पाए जाते, क्योंकि जो ब्यूटी जो है ना उससे भी ब्यूटीफुल कृष्ण का जो फॉर्म है माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, तो वो एक ही है लेकिन यू नो जो फॉर्म है, तो ये छह एक साथ जो है वो भगवान में पाए जाते हैं, तो भगवान उनको कहा जाएगा। और टू फुलेस्ट एक्सटेंट, जैसे अगर हम लोग ब्यूटी है, किसी में बहुत ब्यूटी है, हम जो बहुत ब्यूटी है तो जरूरी नहीं हो रिच होगा, अमीर होगा, जरूरी नहीं हो ताकतवर होगा। जैसे स्त्रियां होती है देखने में बहुत ब्यूटीफुल होती है, स्माइल देती है ऐसे खुश, उनके नजरों से देख के सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई मारने आता है तो बचाओ बचाओ हाथ अंदर हो जाता है तो ब्यूटी होता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होता। लेकिन जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं देखा उनको, ऐसा ऐसा करते रहते हैं, बॉडी होता है उनका चेहरा ऐसा तेल तेल लगा हुआ पूरा तो वही हमारे अभी जिम के डंबल्स आए तो पता नहीं अब कौन कैसे दिखेगा तो किसी के पास स्ट्रेंथ है तो ब्यूटी जरूरी नहीं है, अमीर भी होना कोई जरूरी नहीं है, या फेम नाम ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं नहीं है। किसका नाम है? बहुत नाम है, लाइक स्टीफन हॉकिंस, उसका कितना नाम है, साइंटिस्ट है, तो दिखने में है क्या उसको ब्यूटी? द टाइम एंड स्पेस
लेकिन वो कुछ भी बोलता है लोग लिखते हैं ओह माय गॉड भाई है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, जो भी उसका जो भी उसका स्टाइल का नॉलेज है, पर है, अब समझ रहे हैं। अभी हमारे ऋषि मुनि है, क्या नॉलेज होता है उनके पास, देख के पता नहीं चलता क्या बोलते हैं, वाह, लेकिन दाढ़ी इतना बड़ा, जटा इतना, नजदीक में आएगा तो पूरा जटा का खुशबू आता है तो उसमें तो नॉलेज बहुत होता है लेकिन ब्यूटी, अब फेमस भी नहीं होते, उनका फेसबुक आईडी भी नहीं होता है उनको ना इंस्टाग्राम पर, उनको इंस्टाग्राम होता है क्या ये भी मालूम नहीं ये ऐसे होते हैं। अब एक नागा साधु है ना, वो मेरे को लास्ट टाइम एक मोबाइल उनको चाहिए था किसी फोटो वोटो निकालने के लिए कुंभ का, तो मुझे बोले अरे वो खराब हो गया, बोला कैसे, अभी तो कुछ दिनों पहले ही मिला था, बोलते नहीं वो उसको पता ही नहीं था, वो नहाते नहाते उसी के साथ डुबकी मार दिए हम बोले तो बोले मुझे मालूम नहीं था गीला हो जाता है, मुझे लगा है प्लास्टिक का है, मैं बोला नहीं बाबा उसके अंदर मशीन होता है ना, उसे पानी जाने से दिक्कत होता है तो ये भैया साधु ज्ञान बहुत है, वैराग्य है, लेकिन फिर फेम नहीं है, ब्यूटी नहीं है। हाँ, जैसे नागा साधु है, वो लोग ऐसे करते हुए कुछ भी कर देते हैं, यहाँ आँख बंद करते सीधा गंगा में बाहर निकलते हरिद्वार में, ये टेलीपोर्टिंग कर लेते वो लोग, बड़े बड़े साइंस को प्रॉब्लम होने देता है, लेकिन उनके पास कैसे जाइएगा, भसम भसम लगा रहता है, कोई लेडी कैमरा में जा भी नहीं सकती बोलते निकलो ये हाल है। किसी के पास बहुत रिच है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन घमंड बहुत है, वो कभी नम्र नहीं हो पाएगा, अमीर है तो वैरागी नहीं हो पाएगा। तो ये तभी संभव है, ये सिर्फ भगवान में ही ये पाना संभव है। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम्। हाँ, वो इसका ये कह रहे हैं कि ब्रह्म संहिता 5.1 है ना, ब्रह्म संहिता ये नोट डाउन इसलिए करिए क्योंकि ये परपोर्ट में है, ब्रह्म संहिता में ये आता है कि भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। तो ये कारण और इसका 13 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और जब मैं वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा तभी कारण और कार्य क्या होता है, इनका कनेक्शंस क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। तो भगवान जो है, तो इधर ऐसा कहा गया है, ये पूछ देता हूँ मैं इधर, तो जैसे सूर्य है, सूर्य के किरण है, ये सूर्य है और ये सूर्य का प्लैनेट है, अंदर में इनका रहने का जगह है, ये सरफेस है और ये सन शाइन। तो ऐसा माना गया है कि जैसे आप दूर से, अभी हमको तो सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो ये एक हो गया और एक्चुअली सूर्य का ग्लोब है वो एक चीज हो गया, और उसके अंदर जो प्लैनेट में चल रहा है वो एक अलग चीज हो गया। तो जितना आप नजदीक जाइएगा या उसमें और डूब जाइएगा उतना समझेगा, जैसे दूर से पहाड़ दिखता है तो पहाड़ में क्या रहता है, आपसे आपको दूर से जैसे पहाड़ दिखता है बराबर, दूर से वो हरा हरा दिखता है, नजदीक जाइएगा तो पेड़ दिखेगा, और नजदीक जाए तो इसके ऊपर बैठा हुआ तोता भी दिखेगा, और ज्यादा नजदीक जाएगा तो तोता आपके ऊपर ट्रैक कर देगा तो ये, तो आध्यात्म में जितना भगवान का साक्षात्कार करेंगे तो वदन्ति तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति शब्दते भगवान इति शब्दते, तीन रूप में आप सत्य को जान सकते, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ठीक है, ये तीन रूप से आप जान सकते हैं। तो ये हो गया ये साक्षात्कार, ये हो गया ये साक्षात्कार, और ये हो गया। तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्म में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक अध्ययन करता है, तो जब शुरुआत में आता है तो उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है, तो उसे सत यानी भगवान के शाश्वत स्वरूप का पता चलता है।
कि भगवान शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है। चित यानी भगवान के बारे में भी उसे ज्ञान, ये जो चित है वो इस संसार का और शाश्वत ज्ञान हो जाता है। और भगवान के आनंद यानी अनुभूति जब वो भगवान साक्षात्कार करेगा तब होगा। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये उल्टा हो गया। सत को ब्रह्म का होगा ऐसा चाहिए नहीं है। हाँ, वो लास्ट टाइम मैंने उल्टा बना दिया था, तो ऐसा होगा। चलो अभी इसको इसको उल्टा कर देते ना, एक ऐसा होगा, ये नहीं होगा ना, ब्रह्म में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और परमात्मा में ये और ये होगा और ये नहीं होगा, ऐसे। और इसमें भगवान में चारों साक्षात्कार हो जाएंगे। ठीक है, जनरली मैं ऐसा बनाता हूँ, गलती से मैं करी थी। तो ये ऐसा है, जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, सत्य साक्षात्कार होगा, चित आनंद विग्रह का नहीं होगा। परमात्मा का होगा तो सत्य चित होगा, भगवान का होगा सत्य चित आनंद और भगवान विग्रह है, रूप में है, ये समझेगा। इसलिए दार्शनिकों को यही गीता, जब ब्रह्मवादी पढ़ते तो एक अलग निरूपण देते हैं, परमात्मावादी या योगी पढ़ते तो उसका अलग देते हैं, और जो भगवान साक्षात्कार कर चुके हैं वो ये करते हैं। ब्रह्म वाले जो है वो निराकार उपासना करते हैं, ये योग ध्यान योग में ज्यादा करते हैं, और ये भक्ति योग योगी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको समझा दिया। ये वदंती तत्त्वदर्श जो है भागवत का 1.2.1 है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो श्रीमद् भागवतम 1.2.11 ना, 11 वदन्ति तत्तत्त्वदस् तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते, वो पर्पट में भी लिखा है ना शायद। फिर इसका कि कृष्ण ही भगवान है, इसका भागवतम में भी आता है, प्रभुपाद ने लिखा है 1.3.28 में। एते चांश कलापं स कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे, कि सभी अवतार तो है लेकिन सबका स्रोत कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, श्री भगवान उवाच। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं देखो अर्जुन, तुम जो हो वो क्षत्रिय हो और अनार्य की तरह व्यवहार मत करो। तीसरा श्लोक खोलिए, क्लैब्यं मां अस्माकं अपार्थ सपा नैतत्वं उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं दुष्टसृष्टा परंतपा। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हैं भगवान? शूद्र, शुल्लक, शुल्लक गोष्ठी होता है मराठी, शुल्लक गोष्ठी बांटते हैं, क्या छोटे छोटे चीजों को लेके बैठे हो। क्लैबियम, क्लैबियम यानी नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी, जैसे कभी कभी होता था लोग कोई ब्रह्मचारी बन जाता है ना, घर वाले बोलते हैं इनसे बच्चा नहीं पैदा होगा, ब्रह्मचारी बन रहा है तो ऐसा बोलते थे ना, तो आदमी बोलते हैं मुझे ऐसा बोला मैं भी शादी करके दिखाता हूँ तो आधे जो ब्रह्मचारी बनने वाले कैंडिडेट है ना उसी भाग जाते हैं अपना दिखाने के लिए कि मैं उन लोग घर वालों में ट्रिक ही नहीं समझते ऐसा थे। हाँ, कर्तव्य से भागना चाहता, यही गीता में पढ़ा है ऐसा तो एनीवेज ये तो हो गया। तो कह रहे हैं कि ये जो तुम में है वो शोभा नहीं देता, इसलिए भगवान ने यहाँ दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, पार्थ और परंतपा। पार्थ का मतलब है तुम्हारा लिनेज क्या है, तुम कुंती के पुत्र हो, क्षत्रिय हो, और परंतप यानी जो अपने शत्रुओं को सबक सिखाता है, तो तुम वो हो और तुम क्या बात कर रहे हो। भगवान बस लगाते हैं ना ब्लैक बेल्ट, ये शब्द कैसे शब्द का खेल है, ऋषिकेश गोविंद मधुसूदन ये लगा रहे हैं, ये परंतप कौंतेय पार्थ नो द गेम, शब्दों का खेल है ये सारा। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं अहं संघे द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा रावणसूदना। अब अर्जुन भी गेम खेलेगा, अर्जुन भी गेम खेलेगा। यहाँ पे देखो प्रतियोत्स्यामि है, क्या लिखा है देखो ध्यान से दूसरे लाइन में, प्रतियोत्स्यामि, तो प्रतियोत्स्यामि जो है वो परस्मै पद है, आत्मने पद क्या है प्रतियोत्से, बराबर ना, आत्मने पद बराबर, लेकिन इधर परस्मै पद इस्तेमाल किया है। तो जो संस्कृत में आप लोग पढ़ेंगे केशवानपुर आपको पढ़ाएंगे, वैसे हमारे यहाँ बीच में बहुत सारे विद्वान बैठे हैं ये लोग भी बता सकते हैं आपको,
तो परस्मै पद जो होता है, जब आप अकेले पे उसको सेंटर नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए कह रहे, सामने वाले के लिए भी कह रहे वही चीज, तब उसको वो पद यूज किया जाता है। अगर यहां अर्जुन कहते प्रतियोत्स्ये, तो अपनी बात करते कि मैं ये सब नहीं करता, लेकिन वो प्रतियोत्स्यामि, मतलब तू भी कृष्ण ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो भीष्म द्रोण, क्या श्लोक है, कथम भीष्मम अहम संकेत द्रोणम च मधुसूदना। मधुसूदन, तूने मधु को मारा होगा, वो असुर को, लेकिन तेरे जो लीनियज में एक मधु नाम का राजा था जिसके खानदान में, तू उसको मार सकता था क्या? जैसा तू बोल रहा है मुझे भीष्म को मारने के लिए। अरिसूदना, शत्रुओं को तू मार सकता है, लेकिन क्या तू सांदीपनी को मार सकता है? क्या तू उग्रसेन को मार सकता है? ऐसा इनडायरेक्ट बात चल रहा है, क्योंकि कौन सा पद यूज किया है? परस्मै पद, आत्मने पद नहीं यूज किया। मत समझ में आ रहा है? तो बोलते क्या तू मार सकता जो मुझे कह रहा है? क्या बात है, वाह, है ना? मतलब बच्चे नहीं लड़ते क्या? मन्ना सांगितलं तू करतो काय, है ना? बचपन में होता था क्या? मतलब क्रिकेट में खेलते थे ना, तो अगर सिक्स नहीं मारते थे तो उसके लोग बोलते थे तू आउट हो, ए तो तू मारेगा क्या? हाँ सिक्स आगे वैसा वाला चीज, तू क्या करके दिखाएगा? तो ये वैसा उतना भी नहीं है, दोनों भी कल्चर्ड है। तो आत्मा ने पद से ही ठोक रहे परस में पद से ही काम चल रहा है। हमारे क्रिकेटर तो मारा मारे चलते हैं, वहां तो परस में पद में ही चलता है ना। संस्कृत का पद बोलते ही समझ जाते हैं कि मेरी भी ले रहा है अभी। अब समझ रहे ना कृष्ण कौन है, वो समझ रहे हैं ये मेरी बात कर रहा है। तो वो कह रहे हैं तूने अरिसूदन दो बार, देखो यहां दो बार बोला है, मधुसूदन भी बोला है और अरिसूदन भी बोला है, तो तू करेगा क्या? आपने अपने रिश्तेदारों को मारेगा? ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। चौथा श्लोक तो नहीं, ठीक है? तो ये क्या नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो अभी मैं उसमें और परपोट पढ़ रहा हूँ। तो उसमें और एक श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं प्रतिबना प्रतिबद्नाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम एन एक्सलेंट पर्सन हु डिसरिस्पेक्ट्स दोज वर्दी ऑफ वर्शिप बिकम्स बाउंड अप। जो रिस्पेक्टफुल लोग हैं उनको मारने से आप क्या हो जाते हो? बंधन में हो। अरे आप उल्टा शब्द, कल्चर्ड आदमी तो अपने सीनियर का उल्टा शब्द तक नहीं बोलता है, उल्टा में जो यस यस यस, यहां तुम मारने की बात कर रहे हो, मारना समझ रहे हो, खून निकलना बड़ा चीज होता है। उनके मारने पे उनको हटा के उनकी गद्दी पे बैठने को कह रहे हो, तुम क्यों कभी अरे सुधर मस्त चल रहे हैं दोनों सखाओं में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? भगवान तो चुप है, भगवान को क्या दो दो ठोका दो श्लोक में चुप बैठ गए, इसको नहीं समझ रहा है, लेकिन अंदर से अर्जुन को समझ रहा है कि उसे कुछ नहीं समझ रहा है। बाहर से वो दिखा रहा है कि उसको सब समझ रहा है और वो इसको डांट रहा है, लेकिन अंदर से वो खुद कंफ्यूज है। तो बोलते प्रभु मैं इन सब बाकी सबको मार दूंगा, ये भीष्म द्रोण को कैसे मार सकते? अभी वो कह रहे हैं अगले श्लोक में, गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्दान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। देखो क्या बोल रहे हैं, अरे इन गुरुओं को मारने से क्या होगा? भवती भिक्षाम देही, ये ज्यादा अच्छा होगा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही, भले ही वो सांसारिक लाभ की इच्छा करते हों परंतु मेरे कौन है? गुरुजन है। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। जैसे एक रसगुल्ला खाने के लिए लाइक किसी का थाली है वो नहीं दे रहा है, आप बोलता नहीं लड़ना पड़ेगा, तो उसका आप गला दबा दोगे पूरा खून खून थाली में हो जाएगा, फिर रसगुल्ला धोके खाओगे कैसा लगेगा? तो ये बोलता है प्रभु आप क्या आर्य अनार्य की लेक्चर दे रहे हो मेरे को, मैं क्या गलत हूं, यही बोल रहा है बेसिकली, समझ रहे ना? मजा आ रहा है इसमें, इसका और भी परपोर्ट्स है, थोड़ा देखते हैं आचार्यों ने बहुत कुछ अच्छा बताया। वो कह रहे हैं तो यहां पे क्या है, बेसिकली भीष्म और द्रोण जो हैं ये
हस्तिनापुर के फाइनेंशियल असिस्टेंस पे रहते थे। इसका मतलब जो गुरु होता है उसका स्थान जो है ना अर्थव्यवस्था से ऊपर होता है, आध्यात्मिक गुरु का जो स्थान होता है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, राजा हैं, रंक हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। एक बार राजा कुलशेखर जो थे उनके गुरु आए थे, तो उन्होंने दंडवत किया और दंडवत करके ये मट्टी लगता है और हटा दिया गलती से। गुरु नाराज होके चले, इतना सेंसिटिव चीज होता है गुरु और शिष्य का रिलेशन। यहां तो हम गुरु बोलते हैं गुरु प्रभु हाउ आर यू, ठीक है ना, खाना खाया? मैं फोन रख दो नहीं तो गुरु ने हतवा की वजह से शिष्य ने हतवा करना पड़ेगा। कनक कनक आया मेरे बाबू सोना सोया। तो गुरु है कि गर्लफ्रेंड है तुम्हारा में? तो लोग आजकल पता ही नहीं करना क्या है। तो ये अर्जुन करे प्रभु मैं वैसे वालों में से नहीं हूं, मैं कलयुग 2021 का आदमी नहीं हूं, आप अनारे मत बोलिए मुझे। तो अब क्योंकि महाभारत में कहा गया कि अगर कोई गुरु को कब त्याग सकता है, देखिए लिखा है गुरु महाभारत 5:178-24, ठीक है मैं यहां लिख देता हूं महाभारत 5:178-24। वैसे अभी लेटेस्ट वाले जो महाभारत है उसमें ये श्लोक मैंने देखा तो ये नहीं है, लेकिन ये श्लोक है किसी और अध्याय में है, वो पढ़ा है लेकिन अभी वो मिला नहीं, लेकिन ये लिख के इसलिए रखिए क्योंकि ओल्ड वर्जन जो महाभारत है उसमें ये ऐसा है। चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। गुरुरपि अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः उपथ प्रतिपन्नस्य प्रतियागो विधीयते। वन शुड रिजेक्ट द गुरु हु इज प्राउड, डज नॉट नो प्रॉपर बिहेवियर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एंड हु बिकम्स एडिक्टेड टू सिनफुल लाइफ। जिसको सही गलत का ज्ञान नहीं है, जिसको और जो ऐसे चीजों में चले जाता है और आसक्ति है, ऐसे गुरु का आप त्याग कर सकते हो। लेकिन अर्जुन ये बात नहीं समझ रहा है। और यहां भीष्म को महानुभावान कहा गया है। क्यों महानुभाव कहा गया है? क्योंकि वो इतने पावरफुल थे, उनके इच्छा मृत्यु था, ठीक है, और उन्होंने व्रत लिया था कि मैं शादी विवाह नहीं करूंगा। किसके लिए? तो क्योंकि नहीं तो कल मेरा बच्चा गद्दी मांगेगा, लेकिन मैंने वचन दिया है। इसलिए पहले उनका नाम क्या था? देवव्रत। उनका नाम भीष्म कैसे गिरा? जब उन्होंने प्रतिज्ञा लिया तो ऊपर से देवताओं ने फूल बरसाया, भीष्म भीष्म भीष्म। और इतना ही नहीं, महानुभाव इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने काल तीनों गुणों को और अपने इंद्रियों को और काम वासना सबको अपने नियंत्रण में लाया, इतने पावरफुल थे वो। तो कृष्णा का आर्ग्यूमेंट क्या है? तो ये इंटरनल आर्ग्यूमेंट चल रहा है ये दोनों में, श्लोक इतना ही है, अंदर का आर्ग्यूमेंट आचार्य बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है तू कह रहा नहीं वो गुरु है तो तू नहीं करेगा, महानुभावन कहते रहे। लेकिन भीष्म खुद ही तो कहता है, क्या कहता है भीष्म सुनो, महाभारत में 6:41-36 में भीष्म कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कश्चित इति सत्यम महाराजा बुद्धोस्मि अर्थेन कौरवै। मैन इज सर्वेंट ऑफ वेल्थ, आदमी है वो धन का गुलाम है, एंड वेल्थ इज नॉट सर्वेंट ऑफ एनीवन, और धन किसी का गुलाम नहीं है, और यही सत्य है। और राजा मैं जो हूं कौरवों के धन से बंधा हुआ हूं। बात समझ में आया? तो यहां वो खुद कह रहे हैं कि मैं बंधा हूं। अब तो अर्जुन मान जा कि हत्या कर सकता है, तो अभी अर्जुन फिर भी नहीं मानने वाला है। तो हाँ, तो अर्जुन और एक आर्गुमेंट कहता है ठीक है मैं मार दूंगा उसे, तो मैं यही जीवन ना सुख से जीऊंगा, लेकिन ये ग्लानी लेके मैं अगला जीवन कैसे सुख से जीऊंगा। तो ये कंटिन्यू हो रहा है। आइए दूसरे अध्याय का 6 श्लोक खोलिए। न चै तद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वाजये मा यदिवानो जयेयुः याने वहद्वान जिजीविषामा तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारे जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इसको बोलते हैं चेकमेट, मतलब अब ऑप्शन ही नहीं है। मैं लड़ना नहीं चाहता, ये लड़ना चाहते हैं। मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये सामने आ रहे हैं। मैं भीख मांगने जाऊं तो तू रोक रहा है। क्षत्रिय नहीं होगा भीख मांगना, करूं क्या? जगाव की मराव हा एकच प्रश्न आहे।
द क्वेश्चन इज टू बी नॉट टू बी. अरे मैं मर जाऊं तो गाली दोगे, हे देखो डरपोक था. मैं लड़ू तो मुझे मेरे इच्छा के खिलाफ इनको मारना होगा जो मैं नहीं मारना चाहता, और इससे जीतने के बाद भी मैं भोग नहीं कर सकता. पीछे भाग के चला जाऊं तो लोग बोलेंगे भगोड़ा है, मेरे खानदान पे कलंक होगा, युधिष्ठिर का नाम खराब होगा. टेंशन ही टेंशन. क्या है? तो ये बहुत इधर इसका एनालिसिस बहुत सिंपल है. वो कह रहे हैं कि यहां पे अर्जुन का जो है एक शिष्य का गुण दिखाई दे रहा है. अर्जुन अब समर्पण करने वाले ना, तो एक शिष्य का गुण यहां पे बताया गया है. यहां पे अर्जुन दर्शा रहे हैं. अब यहां से एक एनालिसिस आ रहा है. तो बृहदारण्यक उपनिषद 4:4:23 में ये पूछ दूं, ये जो ब्रह्म परमात्मा भगवान और निराकार साकार की बात है ये हम आने वाले अध्याय में बताएंगे. ये जस्ट एक शॉर्ट नोट था, तो आप अभी एंग्जाइटी मत लीजिए. तो बृहद अरण्य को उपनिषद जो है, कौन है? बृहद अरण्य को उपनिषद 4:4:23 हम लोग पढ़ने वाले हैं. उपनिषद अगले लेवल में, अगले नहीं शायद थर्ड लेवल में पढ़ेंगे. केन उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक का, छांडोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरीय उपनिषद, है ना, सब पढ़ेंगे, आनंद लेंगे. श्वेता शतर उपनिषद, गोपाल तापानी उपनिषद, और बताइए क्या क्या पढ़ना है. तो यहाँ कहा गया है तस्माद एवं विच्छांत दांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धान्वितो भूता भूतवत्मनि एवात्मनम पश्येत. वन हु दस हैज नॉलेज कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस डिफरेंट टू द वर्ल्ड टॉलरेंट एंड फिल्ड विथ फेथ शुड सी सुप्रीम सेल्फ विद इन हिमसेल्फ. ये शिष्यों के गुण हैं. किसके गुण हैं? शिष्यों के गुण. और अर्जुन में सारे गुण पाए जाते हैं. जैसे इंद्रियों का जब बात आता है कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, तो एक पहले अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं शमदम का बात, कंट्रोल की बात. और उपरति इंडिफरेंस की बात वो पहले अध्याय के 35वें श्लोक में बोलते हैं कि मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए. टॉलरेंस तितिक्षु दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भिक्षा मांगने की बात करते हैं, रेडी हैं. फेथ इन वर्ड्स ऑफ गुरु, गुरु पे के बातों में श्रद्धा है उनको, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक, अगले 7वें श्लोक में आने वाला है. तो इससे क्या पता चलता है कि अर्जुन एक अच्छे शिष्य होने का प्रमाण दे रहे हैं अभी तक. देखो कंफ्यूजन अपने मन में होना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम भगवान नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार करके समर्पण करना वो क्या है? वो शिष्य का लक्षण है. ये दोनों चिपकना नहीं चाहिए. ये कौरव और पांडव इनको अलग अलग करेंगे तब तक लाइव क्लास चलते रहेगा. ये दोनों एक होगा तो महाभारत नहीं होगा, तो गीता कौन पड़ेगा. वैसे ये दोनों ईयरफोन जुड़ गए तो वॉइस बंद हो जाएगा. तो ये शिष्य के गुण बताए गए हैं. अब आने वाले श्लोक में समर्पण होगा, और उसके अगले आने वाले श्लोक में गुरु के गुणों का वर्णन होगा. कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म संमूढचेता यश्रेयस्यां निश्चितं रोहितन्मे शिष्यस्य हम शादि मां त्वं प्रपन्नम्. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ. ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं. अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें. क्या कह रहे हैं वो? उपदेश दें. अब मैं आपको हो गया भैया, मैं हार गया. आप बोलिए, अब आप जो बोलिए हम करेंगे. देखिए जब आपको समस्या आता है, इंग्लिश में इसको बोलते परप्लेक्स्ड, कृपण यानी आप कंफ्यूज हो गए. क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए. तब आपको कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं. तब आपको किसकी जरूरत होती है? एडवाइस की. हाँ, एडवाइस, किसी की एडवाइस की चाहिए, कोई तो गाइड करे, कोई बताए. हाँ, तो स्पिरिचुअल टर्म में उसको कहते हैं गुरु. क्या कहते हैं? गुरु. स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत है. आपको कंफ्यूजन आ गया, सही क्या है आपको समझ में आए, गलत क्या है आपको समझ में आए, करूं कि नहीं करूं, क्या करूं आपको पता नहीं चल रहा है, तभी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से गाइड लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है. कई बार है ना, जो लेक्चर देते भी हैं खुद भी ज्ञानी है, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम आता है तो वो भी किसी को जाके
कुछ देखो तभी है ना, जब आप प्रॉब्लम में होते तो याद रखिए आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम के सर्कल के अंदर है, ठीक है। आपको भले ज्ञान है, दूसरे का प्रॉब्लम आप समझ जाते हैं ये करो ये करो ये करो, खुद का नहीं समझता है। तभी आपको क्या चाहिए, तभी कोई और आके आपको बताए, वो ज्यादा जरूरी है। अर्जुन भले ही बहुत बड़ा विद्वान थे, बहुत पावरफुल क्षत्रिय थे, लेकिन जब उनकी अभी आसक्तियों के सामने आ चुके हैं तभी उनको किसी के गाइडेंस का जरूरत है। ऋषभकर में हाथ जोड़ रहा, अब आप हमको गाइड करिए। तो कृपण और ब्राह्मण की व्याख्या जो है, कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है, इसकी पूरी व्याख्या जो है वही बृहदारण्यक उपनिषद का, मेरे को इसी 10वें श्लोक में आता है, हाँ 3:8-10 में आता है। कृपण कौन है और ब्राह्मण कौन है, तो गीता के ट्रांसलेशन में भी दिए लेकिन मैंने डायरेक्ट उपनिषद ही लेकर आ गया हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-10, ये देखिए यहाँ पे है, ये बड़ा श्लोक है, उसका निरूपण है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजति तपस्। तो लास्ट में वो आता है कि यो वा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। जो इस शब्द को नहीं समझ पाया वो कृपण है, और यह एतदक्षरं गार्गी विदित्वा तस्मान् लोके प्रैति लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। जो इस चीज को समझ जाए, जो ब्रह्म को समझ जाए वो ब्राह्मण है, और जो इसको न समझ पाए वो कृपण है। तो जो भगवान से विमुख हो जाए और इस संसार में मेरा तेरा तेरा मेरा आसक्ति में लगा रहे, मेरा घर मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे मेरे, वो कौन है? कृपण। और जो ये जानता है ये सब किसके हैं? भगवान के हैं, और मैं केवल यहां निमित्त मात्र हूं, वो क्या हो गया? ब्रह्म जानाती थी। तो आदमी को समस्याएं कब आने लगती है, द्वंद्व कब आने लगता है? जब वो कृपण व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा? अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपकी कोई इच्छा है जो भी पूरी नहीं हो रही है और वो पूरी कोई होने नहीं दे रहा है और आप बता नहीं पा रहे हो तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखा आपने, जो आदमी हमेशा ही बोलता है ना कि आप मुझे समझते ही नहीं। जनरली पति पत्नी में होता है, पत्नी जो है ना वो बोलती कुछ है और चाहती कुछ है। अब पति मूर्ख होता है, वो डायरेक्ट वर्ड्स पकड़ता है, उसे कुछ ये पता ही चलेगा क्या हो रहा है। तो जैसे एक बार फैन खराब हो गया था एक घर में, तो पत्नी बोली देखिए ना ये कल ही तो आप लाए थे, फैन खराब हो गया। अच्छा बोले वो खराब हो गया, बोले स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, तो हो सकता है कैपेसिटर चलाओ। ऐसे कैसे खराब हो गया, कल ही तो लाया था। अरे भैया स्क्रू ड्राइवर ले आओ। अरे साइड वाले ने खरीदा है, उनका तो चल रहा है। अरे स्क्रू ड्राइवर ले आओ। नहीं लाएगी, लास्ट में खोल के चलाएगा, हाँ अब अच्छा है। तो कभी कभी सामने वाला क्या बोल रहा है आपको नहीं मालूम। बेसिकली लोग कह रहे कि मैं स्क्रू ड्राइवर लाने वाला नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, वो बोल दीजिए कि तुमने लाए नहीं। अच्छा क्यों नहीं लिया, मैं तो ऐसे उठा के ले आता। आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो जनरली कोई भी व्यक्ति है वो अगर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, उसका दिमाग गर्म हो रहा है, एकदम अंदर से आग बबूला हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो उसकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए समाज में ना हमेशा बच्चे को पूछते थे बेटा कुछ चाहिए, क्योंकि तुझे नहीं देंगे तो तू बम फोड़ देगा पूरे घर में। हम जानते हैं तू दिखता उतना बोला नहीं है। जैसे बच्चे जाते ना देखते खिलौना चाहिए, बाप पहला खरीद के देता है, वो जानता है नहीं तो घर में दूसरे चार चीज फोड़ देगा। तो भगवान जानते हैं अभी अर्जुन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अर्जुन मारना भी नहीं चाहता, अर्जुन को धर्म का ज्ञान भी है और दोनों में फंसा है, धर्म अधर्म के युद्ध में फंसा है, और एक कृपण की भाषा बोल रहा है जबकि ये एक्चुअली क्या है? ब्राह्मण। तो ये इसमें आता है। फिर तो ऐसा इसमें उदाहरण प्रभुपाद जी ये भी देते हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर होता है ना, जंगल में आग लगता है तो वो कभी कभी अपने आप में लग जाता है, तो जरूरी नहीं कि जो आपको ये कृपणता है कहीं बाहर से आए, कभी कभी बिना कारण से भी आ सकता है। या आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो ऐसा नहीं कि आप लाते हैं,
कभी कभी अपने आप आ जाते, जैसे जंगल में हमारे नहीं जंगल में आग लग गया था, ऑनलाइन वालों को भी पता है कि हमारे जंगल में पीछे अपने आप आग लग गया था, पता ही नहीं चला, और लकीली मतलब हम लोग देख लें तो हमारा भी इधर भस्म हो गया था उस दिन। होता है, कभी नोबडी नोज कैसे हो गया। तो यहाँ प्रभु फिर मुंडक उपनिषद में कहा गया है, पहले 1.2.11 में नोट डाउन कर लीजिएगा, तद विज्ञानार्थम से गुरुम मेवाभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि शिष्य को कैसे होना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, उसके गुरु के पास स्वीकार करना चाहिए शरणागति, हाथ में लकड़ी जो होता है जाड़न होता है ना, जो लकड़ी को जलाते हैं हम लोग चूल्हे में, पहले चूल्हे में बनाते थे खाना, आजकल फिर तो सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा गुरु के पास, लेकिन पहले होता था कि लकड़ी लेके जाते थे हाथ में। हाँ, सांदीपानी वो जो क्या नाम था उनका, सुदामा और कृष्ण गुरुकुल में लेके जाते थे। एंड अप्रोच द गुरु हु हैज नॉलेज ऑफ वेदास एंड फिक्स्ड इन ब्रह्मन। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिन्हें वेदों का ज्ञान है और खुद भी आध्यात्म में स्थित है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे पंडित जो वेद जानते हैं लेकिन आपको शरणागति नहीं दे सकते। और फिर छांदो के उपनिषद 6.14.2 में कहा गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदा, अ पर्सन हु हैज गुरु नोज द लॉर्ड। तो आप भगवान को तब समझ सकते हो जब आपके पास गुरु है। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो गुरु होता है, फिजिक्स सीखते हैं गुरु होता है, और आध्यात्म में क्यों नहीं गुरु होगा। तो जो मायावादी होते हैं ये गुरु को सिर्फ सीख के फिर छोड़ देते हैं, फिर अपने आप को ही बॉस मानने लगते हैं, वैसा नहीं है। गुरु का स्थान हमेशा ऊपर रहता है। एक बार एक राजा था, देखिए गुरु कितना पावरफुल चीज है। एक राजा था, ये राजा जो है बहुत परेशान हो गया था अपने पूरे मतलब सिस्टम से, क्या क्या होता है मैनेजमेंट बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये समाज नहीं मान रहा है, वो हो गया तो ये विद्रोह कर रहे हैं, वो मैनेज करो तो ये उसको वो नहीं मिला, और इधर ऐसे हम हो गया था, और ये पहले भी आध्यात्मिक जीवन जी चुका था तो बहुत परेशानी हो गया। तो गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव, बोले क्या हुआ, बोले मैं बहुत परेशान, मुझे संन्यास दे दीजिए। बोले संन्यास ले लोगे तो फिर राज समाज कौन संभालेगा। तो बोले नहीं मैं थक गया हूँ। तो बोले एक काम करो, जो राज है वो मुझे दे दो, मुझे राजा बना दो और तुम मुक्त हो जाओ। बोले गुरुदेव आप बनेंगे तो आप भी ले लीजिए। तो हाथ पे पानी डाल के बोलते आप ले लीजिए, आप गुरु बन गए, आप राजा। और फिर बोले एक काम करो, अब मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ में राज्य करो, राजा मैं हूँ, राज्य तुम कैसे करोगे, मेरे बिहाफ में, मेरे साथ, मेरे मतलब मेरे उन प्रत्येक क्या बोले बिहाफ को, मेरे निर्देशन में, मेरे निर्देशन में आप करो। तो राजा तो पहले ही राजा था, उसको सब आता ही था, अब वो मुक्त हो गया, आराम से सब कुछ कर रहा है, क्यों, तो अब उसको क्रेडिट नहीं लेना है, क्रेडिट कहाँ जाने वाला है, गुरु। तो एक्चुअली अभी हमने जो लाइन देखा ना, तो राजा महाराजा जो होते थे ना वो ब्राह्मण और ऋषियों का दास होते थे, हाँ उधर से आदेश लेके काम करते, तो रिलैक्स रहते थे, खुद से करिएगा तो टेंशन आएगा, दाढ़ी बढ़ाना होगा, बंगाल में जाके झूठ बोलना होगा, दीदी ओ दीदी फिर कोई झूठ पकड़ लेगा। हाँ, डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है कि सबको झूठ बोल के ही वोट लेना पड़ता है, सच बोल दोगे तो वोट ही नहीं देगा वो। हाँ, मफलर पहन के बोलना पड़ता है हम करप्शन नहीं करेंगे, हाँ तभी आपका वजन 52 किलो होता है, आज से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 81 हो जाता है। हाँ, प्रेस कपड़े, हाई क्लास जूते, है ना, तो डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है, तो उसमें झूठ ही बोलना पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है ना वो, उसमें झूठ बोलना पड़ेगा, मोनार्की में नहीं बोलना पड़ता है, ऊपर वालों में वो स्टाइल में क्या ऋषि मुनियों का आदेश होता है सब मानते हैं। हरे कृष्ण। फिर आगे और आता है महाभारत में, धर्म से सूक्ष्म गति ही, कि जो धर्म की गति है वो गति मतलब जो गति में डेस्टिनेशन सूक्ष्म है, इसलिए प्रभु आप हमको ज्ञान दीजिए। ठीक है, दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक खोलिए। नहि प्रपश्यामि मम आप्नुयात् यत् शोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावास असपत्नम् वृद्धम् राज्यम् सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो कह रहे हैं कि प्रभु चलो मैं इनकी हत्या कर भी दूं, मैं जीत भी जाऊं, मैं अगले जन्म में भी सब ठीक ठाक हो जाए, लेकिन ये जो अंदर से मेरे जो मिसकंसेप्शन का जो बैठ गया है प्रॉब्लम,
इसको मैं कहां दूर करूं। अब अभी समस्या क्या हुआ, पहले पहले समस्या थे वो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसको समझ में आया कि वो समस्या नहीं है, समस्या उसी का अज्ञान है। बोले इसका मैं क्या करूं, इसलिए मैं कहां समर्पित हूं। तो इसके इसमें बहुत कुछ एक्चुअली इसमें आता है, हमारे पास टाइम कितना है पता नहीं। हाँ, तो अभी इसमें जो है गुरु के गुणों का वर्णन आता है तात्पर्यों में। तो चेतन चेतामृत के मध्य में कहा गया गुरु कौन है, आपको अगर गुरु चुनना है तो किसको गुरु चुनना चाहिए। कोई दाढ़ी वाला बाबा मिल गया गुरु बना लेना चाहिए, नहीं। एक कोई तो मेरे को बोला रूम रेंट पे लेने जा रहे थे, मैं और एक प्रभु जी, बहुत पहले की बात है, 15 साल पहली बात है, तो जिनके जा रहे थे उनका गुरु का फोटो था, तो बोले देखिए ये हमारे गुरु हैं, उनके गुरु ऐसे फोन पे ऐसा फोटो था, बोले ठीक था। फिर वो बोले कि हमारे गुरु, हमको बोला चाय लेंगे, बोला नहीं चाय कुछ नॉनवेज वगैरह, बोला तो नहीं हमारे गुरु तो चबाते हैं, मस्त चबाते हैं, नॉनवेज चबाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सोचे भैया गुरु जी कौन प्लैनेट से आए हैं, तो गुरु किसको बनाना चाहिए, नहीं इसका भी माप है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठछूट गुरु बना लीजिए। तो कह रहे हैं क्या गुरु है, चेतन चरितामृत के मध्य के 8वें अध्याय के 127वें श्लोक में आता है कि भवि प्रकी बन्यासी शूद्र के ननाय ये कृष्ण तत्वता से गुरु हाय। हाँ कि अगर चाहे कोई विप्र हो, ब्राह्मण हो, या फिर कोई शूद्र हो, या कोई न्यासी हो, न्यासी यानी सन्यासी भी हो, कोई भी हो, वन हु नोज द साइंस ऑफ कृष्ण इज गुरु, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु, जो कृष्ण को जान गया वो गुरु है। तो इसका मतलब गुरु बनने के लिए पहला गुण क्या है, वैष्णव होना चाहिए। हाँ, तो पद्म पुराण में भी आता है, प्रभुपाद भी कोट करते हैं, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। अगर कोई बहुत ज्ञानी है, पंडित है, बड़ा है, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, उसने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित नहीं किया है, तो वो गुरु होने के लायक नहीं है। जो समर्पित किया है, चाहे वो शूद्र घर से हो, चांडाल घर से हो, गुरु बन जाएगा। ठीक है, फिर अब यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां इस श्लोक में और एक सीखने वाली चीज है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं। जो मेरे अंदर में अभी ये समस्या आ चुका है, या मुझे पूरा राज्य भी दे दीजिएगा, ये राज्य छोड़िए स्वर्ग के भी सब चीज दे दीजिएगा, तो भी मेरा प्रॉब्लम अभी हल होने वाला नहीं है। अब इसका तो मतलब यही समस्या होता है ना हम लोगों का, अभी अब इसका हल क्या है। तो ये तो अभी इसमें भगवान का अंदर से एक डायलॉग है, मतलब ये आंतरिक कन्वर्सेशन है, या प्रभुपाद भी बताते हैं हा? जैसे अर्जुन कहते हैं ना अवाप्य भूमौ सुरानाम राज्यम, अवाप्य भूमि दे दो, या सुरों का देवताओं का राज्य भी दे दो, कोई फायदा नहीं मेरे लिए। लेकिन अभी इनडायरेक्टली क्या है, अर्जुन को ये समझाना होगा कि शिणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति, 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में आता है कि ये सब कुछ क्षणिक है, ये संसार में भी अगर तुम्हें राज मिला तो क्षणिक है, और वो भी मिला तो क्षणिक है, तो कोई फायदा वैसे भी नहीं है। अछांदो के उपनिषद में कहा गया 7:1-3 में सोहम भगवती शोचामि तम माम भवान शोकस्य परम तारयतु, आई एम लैमेंटिंग मे योर लॉर्डशिप डिलीवर मी फ्रॉम दिस। हाँ, शरणागति का भाव है अर्जुन का, वो कह रहे हैं, और ये वैसे तो ये नारद और सनत कुमार का बात है चांदोग्य उपनिषद में, तो वो कह रहे हैं कि आप कृपया करके मुझे तार दीजिए, तो यही शरणागति यहाँ अर्जुन ने दी है। वैसे ही चांदोग्य उपनिषद 8:1-6 में आता है, वो कहते हैं द वर्ल्ड अटेंड इन दिस लाइफ थ्रू कर्म एंड नेक्स्ट लाइफ थ्रू पुण्य इज लॉस्ट। अगर आप इस जन्म में कुछ कर्म से भी लाते हो और अगले जन्म में पुण्य से भी मिलता है, तो वो भी क्या है, क्षणिक है। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी तरफ ध्यान दो। तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्षणिक चीजों के ध्यान निकाल के वो आगे करने वाले हैं। ठीक है, 9वां श्लोक खोलिए, 7:1-6 अपने आप को बीच में ला रहे। संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। क्या हो गया, चुप हो गया। अब उसके बाद उसको बोलने के लिए अब कुछ
नहीं बचा, असली प्रॉब्लम उसका बाहर आ गया कि मेरे को प्रॉब्लम राज्य मिलने नहीं मिलने से भी नहीं है, अभी धर्म अधर्म का संकट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे हैं गोविंद बोला है, क्यों गोविंद कहा है यहाँ पे, जो इंद्रियों को आनंद को जानता है। हाँ, जो इंद्रियों को जानता है, मतलब अब तुम मेरी समस्या जान जाओ, और आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। और गोविंद का मतलब होता है नोर ऑफ वेदास, जो वेदों को जानता है। तो वो इनडायरेक्टली संजय ये कह रहे हैं कि अब भगवान उसके बुद्धि को युद्ध करने में लगवाएंगे, उसके बुद्धि में डाल देंगे वो इन्फॉर्मेशन जिससे वो युद्ध करेगा। और परंतप, यहाँ परंतप इसलिए कहा गया है क्योंकि धृतराष्ट्र, संजय बोल रहे हैं ना, तो धृतराष्ट्र जी ना सोचे कि अर्जुन गिर गया है, परंतप है वो जीतने वाला है ऐसा। हाँ, इनडायरेक्ट ये संजय और इधर भी तो डायलॉग चल रहा है। फिर ऋषिकेश क्यों कहा गया है, क्योंकि जो ऋषि के यानी हमारे इंद्रियों का मालिक कौन है, भगवान है। तो जो बुद्धि है वो किसके अंडर आएगा, भगवान के अंडर, वो बराबर उसका बुद्धि ठीक कर देंगे। दसवां श्लोक खोलिए। तम वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर् मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब यहाँ एक चीज देखने वाला चीज है, क्या क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है? हाँ, धृतराष्ट्र भगवान का वर्णन कैसे किया गया यहाँ पे, हंसते हुए वो प्रसन्न इव, क्या कहा गया है, भगवान खुश है। जो ज्ञान में होता है ना वो खुश है, जो अज्ञान में होता है वो, जो कृपण होता है वो, अब ब्राह्मण होता है वो, इसलिए देखिए हमारे ड्यूटी हमेशा खुश रहते हैं। हरि बोल, उनका तो ये मर गया, अच्छा क्या करना चाहिए गुरु जी, हमारा अकाउंट नंबर भेज देते आप ब्राह्मण को, भजन कर। कोई मरा थोड़ी है, जो गया है वो अगला जन्म लेगा, वो भक्त जानते हैं। जो नहीं जानते, जैसे किसी का पति मर जाता तो माता लगे क्या बुरा किया था मेरे पति, फिर 8 घंटा बाद बदबू मारते हैं, ले जाइए पति को, अभी तो रो रही थी पटक पटक। तो जो कृपण है वो हमेशा अज्ञान से ही दुखी रहेगा, और जो भक्त है वो हमेशा ज्ञान से सुख। तो सोचो भक्त तो फिर भी भक्त है, थोड़ा इस भौतिक दुनिया में रहता है, भगवान तो सच्चिदानंद है, उनको क्या दिक्कत है। प्रसन्न इव, देखो यहाँ प्रसन्न कहा गया, एकदम प्रसन्न है। अब इसका दूसरा कारण आचार्य बताते, प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि भगवान प्रसन्न क्यों है, खुश है, हंस रहे और देख रहे हैं अर्जुन को, बताओ क्यों। चलो 100 रुपए दूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग पता, जल्दी जल्दी बताओ। वो उनका शिष्य बन गया था। देखो कैमरा मैन 101 में पड़ गया मेरा, क्योंकि अभी जो दोस्त है अर्जुन वो क्या बन गया, शिष्य बन गया। तो हंस रहे हो, अब आया ना मेरे अंडर, अब मैं वो क्या बोलते हैं, अब आया पहाड़ के नीचे, क्या बोलते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब झुकाइए। अब तक डायलॉग मारा था, अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। अर्जुन तीसरा अध्याय में एक सवाल पूछता है भगवान, 40 से ज्यादा श्लोक बोल देते हैं वो, उधर वापिस एक बोलता है भगवान 40 बोल देते हैं, वो एक बोलता है भगवान 27 बोल देते हैं, 18 में वो एक पूछता है भगवान 78 बोल देते हैं। बोलते हैं प्रभु हो गया, अब मेरे को लेक्चर दे, चाहे बोलो किसको मारना है खत्म। तो यहाँ प्रहसन नहीं हुआ, और इसलिए अब अर्जुन भगवान जो है वो ग्रेविटी के साथ बोलेंगे, क्योंकि जब गुरु हो जाता है फिर हंसी मजाक होता है, ग्रेविटी के साथ बोलने वाले, ठीक है। तो यहाँ कहा गया कि पहले अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन भगवान को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत हैवी बोल रहे थे तो भगवान चुप बैठे थे, और अब जो है भगवान अर्जुन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दोनों में उनका एक ही हेतु था, अर्जुन को समस्या से निकालना। तो कल हम सब 11वां श्लोक वगैरह चालू करेंगे, 11 से 30 जो हमारा सेक्शन है उसको पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल है, 1-2 मिनट है हमारे पास आप में से, या ऑनलाइन में किसी को, जैसे हमारा WDOT बन गया था, हम लोग कितने खुश हो गए थे, प्रसन्न हो गए, आया ऊट पहाड़ के नीचे। चलिए, किसी को सवाल नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन में कोई है कमेंट में, जो एक्टिव सवाल पूछ रहा नहीं, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन डिवोटीज़।
और इस नोट्स को जो है मैं अभी फर्स्ट चैप्टर के नोट्स तो मैंने बना दिए हैं, तो हो सकता है मैं आपको भेज दूँ, स्कैन करके देखता हूँ कैसे स्कैन किया जा सकता है ताकि आप नोट्स बना सकें। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर भी होगा 6 चैप्टर होने के बाद बहुत आसान होगा, ABCD टाइप होगा और बहुत सिंपल होगा, आप ओपन बुक है, आप खोल के भी एग्जाम लिख सकते। ठीक है, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।